So what's up lovely people, this is Mohammed Faizan Alvi and you are watching my channel Alvi Space. So guys, आज है 8th of August और आज मेरे घर पे आया है मेरे लिए courier. तो मैंने अपने लिए आज order करा है एक नया phone. So इस video में मैं उस phone की unboxing करूँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये phone मैंने क्यों order करा है, क्योंकि ये phone जो मैंने यहाँ देख रहे हैं, ये phone अपनी जो range है, जो जितने का भी phone है उसमें ये phone best है. इसे कोई बीट नहीं कर सकता उस रेंज में इस फ़ोन को. तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें देख के लिए हैं अपने, जैसे मैं आपको बताइए ब्लॉगिंग चैनल है तो ब्लॉगिंग करता हूँ, उसके लिए भी मैंने देख के नया फ़ोन लिया है, अपने लिए ऑर्डर किया है. सो आज की वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, ये रहा मेरा फ़ोन जो करा है मैंने ऑर्डर. सो इसे मैंने ऑर्डर करा है अमेज़ोन से. तो ऐसा कुछ पैकेट दिखता है इसका. सो यहाँ पे मैं शिप्ड बाय अमेज़ोन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लिखा है और कुछ एड्रेस है. सो अब कट करते हैं इसे और देखते हैं अंदर कैसे निकलता है फ़ोन. तो अब ये मैंने कर दिया है कट और फ़ोन के साथ साथ निकलता है यहाँ पे एक बिल. सो ये रहा amazon.in की तरफ से. सो इसके अंदर डिटेल्स होंगी, उसे रखते हैं बाद में. सो गाइज, ये रहा फ़ोन जो करा है मैंने ऑर्डर. सो शुरू में ही एकदम फ्रंट में लिखा है बड़ा बड़ा Redmi Note 9 Pro Max. सो मैंने ऑर्डर कराया है Xiaomi का Redmi Note 9 Pro Max. सो दिस इज़ द फ़ोन गाइज. तो जैसे हम इसे पीछे करेंगे तो इस फ़ोन की अभी मैं आपको खासियत बताता हूँ कि ये फ़ोन मैंने लिया क्यों है एक्चुअली. तो लेकिन अगर जैसे ही हम इसे पीछे करेंगे तो हमें दिखेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा है और डॉट डिस्प्ले है और 33 वॉट फास्ट चार्जर है. सो ये तो कुछ मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैंने लिया है. तो अब इसे ओपन करते हैं. यहाँ से ओपन करनी पड़ेगी इसकी सील दोनों साइड से ही. सो अब ये कर दी है मैंने ओपन सील और यहाँ लिखा हुआ दिख ही रहा होगा आपको Redmi Note 9 Pro Max. बॉक्स ओपन करते ही कुछ ऐसा है. सो इसे देखते हैं इसके अंदर क्या है. इसके अंदर स्टार्टिंग में हिपिन है, उसके बाद ये कुछ गाइड है फ़ोन के बारे में MI के, इसे रखते हैं साइड. सो यहाँ मिल जाता है आई गेस फ़ोन का कवर. तो फ़ोन का कवर तो यार मुझे काफ़ी ख़राब क्वालिटी का लग रहा है इसमें, देखो कितना ख़राब है. सो फ़ोन का कवर तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वैसे मुझे यूज़ भी नहीं करना. और इसके जस्ट अंदर मिल जाता है मुझे ये फ़ोन MI का Redmi Note 9 Pro Max. सो गाइज, दिस इज़ द फ़ोन. तो ये लुक है इसका, कलर है इंटरस्टेलर ब्लैक. तो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, बॉक्स पे लिखा होगा. सो ये रहा, कलर है इसका इंटरस्टेलर ब्लैक और इसकी जो मैंने मंगाया वेरिएंट वो है 6 GB एंड 128 GB. क्योंकि मैंने आपको बताया अभी मेरा अपना यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये फ़ोन क्यों ऑर्डर करा, कि ये फ़ोन मुझे पसंद आया. सो 6 GB 128 GB इंटरस्टेलर ब्लैक. हालांकि ये फ़ोन देखने में ब्लैक कहीं से नहीं लग रहा, ये ब्लू लग रहा है वैसे तो, लेकिन ये कलर है काफ़ी अच्छा. तो अभी आपको मैं इसके दिखाऊंगा कुछ अमेजिंग शॉट्स फ़ोन के. तो तब तक इसे कर लेते हैं हम ओपन. सो ये हो गया है स्टार्ट Redmi. तो इसे होने देते हैं हम ओपन, तब तक और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है. सो अंदर की तरफ देखते हैं तो ये है बाउंड्री सेपरेशन लेयर और यहाँ पे आ जाता है एक बहुत मैसिव और जो कि बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है 33 वॉट का फास्ट चार्जर Xiaomi की तरफ से Redmi Note 9 Pro Max के साथ. सो ये भी काफ़ी अच्छा चार्जर है यार, बहुत तेज़ में चार्जिंग है. जो कंपनी क्लेम करती है वो उसकी 0 to 50% विद इन 30 मिनट्स क्लेम करती है. सो ये है 33 वॉट का फास्ट चार्जर और उसके साथ मिल जाती है हमें सी टाइप केबल. सो इसे रखते हैं साइड में, फ़ोन हो चुका है ओपन. तो ये देखते हैं फ़ोन, ये कुछ दिखता है इस तरह.
तो काफ़ी अच्छी लुक है यार इस फ़ोन की। अगर देखी जाए तो मुझे इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब देखा जाए और आपको अगर मैं आंसर करूँ कि ये फ़ोन मैंने क्यों पसंद कराया, तो इसकी टक्कर का मार्केट में 20,000 के अंदर एक ही फ़ोन था, और इसके मैंने आपको प्राइस नहीं बताया है। ये Amazon.in की तरफ से मुझे ये फ़ोन पड़ा है, अगर आपको दिख रहा हो, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा छोटा लिखा है, 18,500 रुपीज़, 499 लिखा है वैसे तो, आई डोंट गेस आपको दिख रहा होगा। सो 18,499 का ये मुझे फ़ोन पड़ा है, 18,500 रुपये का, 6 GB 128 GB वेरियंट। तो इस फ़ोन की टक्कर का एक ही फ़ोन सिर्फ मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, वो है Poco X2, वो भी Xiaomi का ही है, लेकिन कैमरा होनी चाहिए व्लॉगिंग के लिए। सो इस फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो है 32 MP, और जो Poco X2 है उसमें डुअल कैमरा है, लेकिन उसमें डुअल कैमरा होने के बाद भी उसका जो कैमरा है वो 20 MP का, आई गेस, हाँ 20 MP का ही है। फ्रंट कैमरे के मामले में ये फ़ोन जीत जाता है, और मुझे व्लॉगिंग के लिए चाहिए तो इसलिए मैंने फ़ोन लिया। दूसरी रीज़न क्या है कि जो Poco X2 है उसके अंदर बैटरी ड्रेनेज इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेनेज इशू है Poco X2 में। उसकी बैटरी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसकी जो बैटरी है वो 4500 mAh की है, और यहीं पर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की जो, ये प्रो मैक्स वर्जन है, प्रो नहीं सिर्फ प्रो मैक्स है, तो इसकी जो बैटरी है वो है 5020 mAh की, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है एज़ कम्पेयर टू Poco X2। इसी वजह से मैं गया हूँ इस फ़ोन के साथ। और इसकी जो, अगर आप भी देख रहे हो Poco X2 वर्सेस रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का कंपैरिजन, या आप दोनों में कंफ्यूज हो, मेरे अकॉर्डिंग आपको रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के साथ जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए जो बेस्ट है वो है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। हो सकता है आपको बैटरी की इतनी ज़रूरत ना हो, तो बाकी सब तो ऑब्वियसली Poco X2 में अच्छी हैं ही, यू कैन गो विद Poco X2 एज वेल। एंड ये जो फ़ोन है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स 6 GB 128 GB वेरियंट, ये मुझे मिला है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने के बाद। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था अमेज़ॉन पे इसे ऑर्डर करने की सेल में, और सेल में भी ऐसे नहीं है कि आपको कुछ कम प्राइस में मिल जाता है फ़ोन। जो कंपनी ने इसका प्राइस फिक्स रखा है उससे थोड़े ज़्यादा पैसों में ही अवेलेबल है ये फ़ोन अमेज़ॉन पे भी। बट हाँ, अगर कंपेयर किया जाए ऑफलाइन मार्केट से, ऑफलाइन मैं पूछने गया था, मैंने करोल बाकी का फार मार्केट रेट पता करके आया हूँ मैं, ये फ़ोन वहाँ पे अवेलेबल है 21,000 रुपीज़ का। इससे तो बढ़िया है कि आप अमेज़ॉन से ही ले लें, जैसे मैंने लिया है 18,500 में। काफ़ी एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे आपको, बहुत बार ट्राई करनी पड़ेगी, बहुत बार हाथ से सील जाएगी भी, हो सकता है आपको 2-3 बार ट्राई करना पड़े अमेज़ॉन पर ऑर्डर करने के लिए। मैंने भी इसी तरह ही ऑर्डर करा है। बेस्ट ऑफ लक अगर आप ये फ़ोन ऑर्डर करना चाहते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरा व्लॉग्स देखने हो आगे फ्यूचर में, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।